धौलपुर। कैपिटल सिटी जयपुर से तकरीबन 270 किलोमीटर दूर बसा धौलपुर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, जिसको यहाँ पर मौजूद रेड कलर के बलुआ पत्थर के कारण राजस्थान की रेड डायमंड सिटी भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, धौलपुर में स्थित है भारत का सबसे बड़ा घंटाघर, जिसे निहाल टावर कहा जाता है। और फैक्ट तो ये भी है कि धौलपुर में ही मौजूद है राजस्थान का सबसे लंबा कच्चा बांध, जिसे अंगाई बांध के नाम से जाना जाता है। और मजे की बात तो ये है कि धौलपुर राजस्थान का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आज भी नैरो गेज लाइन वाली ट्रेन चलती है। और क्या आपको पता है, धौलपुर में ही स्थित है सिंह शिकार गुरुद्वारा, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने एक ही बार में शेर को दो भागों में काट दिया था। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यह है कि धौलपुर राजस्थान का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है। तो चलिए फिर आज धौलपुर को करते हैं एक्सप्लोर और जानते हैं इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट और हिडन इन्फॉर्मेशन। आज का धौलपुर शहर पुराने समय में भरतपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन 1982 में धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी और बसेड़ी तहसील को मिलाकर धौलपुर को राजस्थान का 27वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। धौलपुर का पुराना नाम कोटी था, लेकिन 11वीं सदी में तोमर वंश के शासक धवलदेव ने आज के धौलपुर शहर की स्थापना कर इसका नाम धौलपुरी रखा, जो बाद में चलकर धौलपुर कहलाया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि धौलपुर शहर की स्थापना नागवंशी धौल जाटों ने की थी। धौलपुर आज के समय में रेड डायमंड सिटी, कोठी, गेटवे ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, सिटी ऑफ सनराइज और दक्षिण के द्वारगढ़ जैसे नामों से जाना जाता है। तकरीबन 3034 स्क्वायर किलोमीटर में फैला धौलपुर जिला एरिया के अकॉर्डिंग राजस्थान का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। वहीं 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग धौलपुर डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन है 12,06,516, जो धौलपुर को बनाती है 12 के बाद राजस्थान का 28वां सबसे हाईएस्ट और 7वां सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट। यहाँ की 94% आबादी हिंदू और 6% मुस्लिम रिलीजन की है। आज के समय में धौलपुर भरतपुर के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे हाईएस्ट जाट पॉपुलेशन परसेंटेज वाला डिस्ट्रिक्ट है। धौलपुर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी और ब्रज। वही अगर मैं बात करूं यहाँ के कल्चर की, तो धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित होने के कारण यहाँ पर राजस्थानी संस्कृति का प्रभाव थोड़ा कम है। पोशाक के रूप में यहाँ की औरतें राजस्थानी घाघरा चोली के साथ साथ साड़ी का भी इस्तेमाल करती है, जबकि पुरुषों की पारंपरिक पोशाक धोती, कुर्ता व गमछा है। बात करूं डायमंड सिटी धौलपुर के कुछ फेमस डांसेस की, तो वह है यहाँ का लांगुरिया और धौलपुरी डांस, जो मुख्य रूप से यहाँ की लेडीज और जेंट्स दोनों द्वारा किया जाता है। और हाँ, लांगुरिया से याद आया कि नारायण सिंह बैगनिया भी धौलपुर से ही थे, जिन्होंने राजस्थानी लोकगीतों और लांगुरिया नृत्यों को भारतीय नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में एक अलग पहचान दिलाई है। आपको बता दो कि इनकी हाइट मात्र 32 इंच की थी। फैक्ट तो ये भी है कि धौलपुर के यहाँ पर मौजूद रेड कलर के बलुआ पत्थर के कारण राजस्थान की रेड डायमंड सिटी भी कहा जाता है। धौलपुर के इस फेमस पत्थर की सुंदरता का पता इससे ही लगाया जा सकता है कि इसका उपयोग राष्ट्रपति भवन बनाने, राजस्थान विधानसभा भवन बनाने, गुजरात का सोमनाथ मंदिर बनाने और लाल किले जैसी ऐतिहासिक धरोहर को बनाने के लिए किया गया है। और मजे की बात तो यह है कि इसी धौलपुर शहर में स्थित है पूरे भारत का सबसे बड़ा घंटाघर, जिसका निर्माण कराया था महाराजा निहाल सिंह ने। इस टॉवर की ऊंचाई तकरीबन 150 फीट और चौड़ाई 120 फीट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यह है कि धौलपुर राजस्थान का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आज भी नैरो गेज लाइन वाली ट्रेन चलती है। इस ट्रेन के पटरी के बीच की साइज मात्र 3 फीट 2 इंच है। ये ट्रेन धौलपुर स्टेशन से शुरू होकर तांतपुर स्टेशन तक चलती है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है, स्वतंत्रता के बाद भारत की एकमात्र आर्मी स्कूल सिर्फ धौलपुर में ही स्थित है, जिसको 1962 में तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री कृष्णा मेनन द्वारा स्थापित किया गया था। जहाँ राजस्थान की पहचान पूरे विश्व भर में रेगिस्तान और बंजर भूमि से होती है, लेकिन धौलपुर की पहचान यहाँ के बड़े बड़े डैम, नदी, नालों, झरनों और तालाबों से होती है। यहाँ पर वाटर सप्लाई के लिए दो नदियां भी बहती हैं, जिसमें पहली है चंबल नदी, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश को दो भागों में बांटती हुई धौलपुर से होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। वही दूसरी नदी है पार्वती नदी, जो करौली के छावर से निकलकर धौलपुर से होते हुए गंभीर नदी में मिल जाती है। फिलहाल दोस्तों, इसी नदी के ऊपर बना हुआ है अंगाई बांध, जो धौलपुर का सबसे बड़ा और राजस्थान का सबसे लंबा कच्चा डैम है। यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है गेहूं, सरसों, आलू, मटर और चना। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है, धौलपुर का सिलाना गांव राजस्थान का सबसे पूर्वोत्तर गांव है, जहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय व सूर्य अस्त होता है। फैक्ट तो ये भी है कि पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा देसी शराब की बोतलों की मैन्युफैक्चरिंग भी धौलपुर में ही होती है, जिसकी वजह से यहाँ की 15% इकोनॉमिक ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, 45% रेड डायमंड पत्थर और 40% एग्रीकल्चर पर टिकी है।
धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के व्हीकल्स को रजिस्ट्रेशन किया जाता है RJ11 RTO नंबर से। वेल फ्रेंड्स, धौलपुर के इसी पावन धरा पर हुआ था तशीमो गोलीकांड। दरअसल हुआ यूं था कि जब तिरंगा फहराने पर ब्रिटिश सरकार का बैन था, तब 11 अप्रैल 1946 को धौलपुर के कुछ कार्यकर्ता तशीमो गांव में नीम के पेड़ पर तिरंगा फहराकर सभा कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजी पुलिस ने वहां पर आकर कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा नीचे नहीं उतारने पर उनके ऊपर गोलीबारी कर दी, जिसमें धौलपुर के दो वीर शत्र सिंह और पंचम सिंह जी शहीद हो गए, जिसे बाद में चलकर तशीमो गोलीकांड नाम दिया गया। और क्या आपको पता है, धौलपुर में ही स्थित है वह बाड़ी स्थान जहां पर 1518 में मेवाड़ के राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था बाड़ी का युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा था। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये भी है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा गैस ताप बिजली घर भी धौलपुर में स्थित है, जिसकी प्रतिदिन बिजली उत्पादन क्षमता 330 मेगावाट से भी ज्यादा है। धौलपुर की आन बान और शाह ने यहाँ का शेरगढ़ फोर्ट, जिसका निर्माण कराया था 1532 में महाराजा मालदेव ने, लेकिन बाद में शेरशाह सूरी ने इस किले को जीत कर इसका नाम शेरगढ़ रख दिया। अब फ्रेंड्स, जरा इस ब्यूटीफुल प्लेस को देखिए। ये है धौलपुर की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन मचकुंड। इसका नाम भगवान श्री राम की 24वीं पीढ़ी के राजा मचकुंद के नाम पर रखा गया है। बने हुए इस तालाब के सारों और हिंदू देवी देवताओं के 108 मंदिर स्थित है। अब धौलपुर लवर्स, जरा इस ब्यूटीफुल नजारे को देखिए। यह है धौलपुर का दमोह झरना, जो धौलपुर की खूबसूरती पर चार चांद लगा जाता है। जनाब, राजस्थान की धरती पर ऐसे नजारे देखना दुर्लभ की बात है। बात करो धौलपुर जिले के कुछ नोटेबल पीपल की, तो वह है महबूब धौलपुरी, जिनका जन्म 1954 को धौलपुर शहर में हुआ था। इनको अपने बेहतरीन संगीतकार के कारण 2006 में पद्मश्री नागरिक अवार्ड से नवाजा गया था। उमा शर्मा, जो एक प्रसिद्ध नृत्यकार हैं, इन्हें अपने बेहतरीन डांसेस के कारण पद्मश्री, पद्म विभूषण और साहित्य कला जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनका जन्म भी 1942 में धौलपुर में ही हुआ था। धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से दो बड़े नेशनल हाईवे भी गुजरते हैं, जिसमें पहला है NS-44 जो श्रीनगर से धौलपुर होते हुए कन्याकुमारी को जोड़ता है, जबकि दूसरा है NS-23 जो नेशनल हाईवे 21 को धौलपुर शहर से जोड़ता है। क्या फ्रेंड्स, आपको पता है धौलपुर राजस्थान का सबसे कम सड़क लंबाई वाला डिस्ट्रिक्ट है, जबकि बाड़मेर सबसे अधिक सड़क लंबाई वाला डिस्ट्रिक्ट है। वहीं अगर एक नजर डाले धौलपुर के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेस पे, फोर्ट ऑफ शेरगढ़, चंबल चफारी, तालाबे शाही, रामसागर चंचुरी, वन वीआर चंचुरी, पैलेस ऑफ धौलपुर, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर वीडियोज।